थोड़ी देर पहले जींद में और यहां पर काफी ज्यादा तेज तूफान आया, बारिश आई और जो इस समय रोड है आप देखिए कि किस तरह से पेड़ को उखाड़कर जो है ये तूफान ले गया। और अब जो स्थानीय लोग हैं वो चाना में ये रोड साफ कर रहे हैं और यहां पर ट्रैक्टर के जरिए हाथों से इस रोड को जो है वो साफ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ जो हैं वो पूरी तरह से उखड़ गए क्योंकि भारी तूफान और बारिश हुई है। और इस समय कुछ गाड़ियां भी यहां निकल रही थी उन पर भी कई जगह पर जो है वो पेड़ गिरे हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उचाना में तूफान और बारिश की वजह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और अब क्रेन के जरिए ट्रैक्टर के जरिए आम लोग स्थानीय लोग जो हैं इस रास्ते को साफ कर रहे हैं, पेड़ जो हैं वो उतार रहे हैं। काफी ज्यादा तूफान जो है वो आया था, बहुत सारी गाड़ियां के ऊपर भी पेड़ जो है वो गिरते हुए नजर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतनी तेज तूफान था? बहुत तेज तूफान था, एकदम बारिश हुई और बहुत तेज तूफान था, इससे एकदम से सारे काफी सारे पेड़ गिर गए हैं, बहुत सारी गाड़ियां बच गई हैं, अदरवाइज गाड़ियों पे अगर गिरता तो बहुत सारा काफी नुकसान हो सकता था। और ये काफी मैंने देखा पूरी रोड जो है वो पेड़ जो है वो दोनों तरफ गिरे हैं, रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया? बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है रास्ता और ये ट्रैक्टर और हम मिलकर इसको उठाएंगे, अदरवाइज तो ये करसिंग जाने वाले रास्ते पे पूरे पूरे देखो आप, बहुत बड़ा पेड़ रास्ते में, यहाँ से देख सकते हैं आप काफी। ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है? ये उचाना से किरसिंधु गांव के लिए रास्ता जा रहा है, किरसिंधु गांव छतर हुआ डोड़ा अपने जो ये लिंक रोड है सभी को मिला देता है। तो ये लिंक रोड पर जो है तूफान का असर देखने को मिल रहा है और वो देखिए कि ट्रैक्टर के जरिए जितेंद्र को कहूंगा थोड़ा आगे चलिए, ट्रैक्टर के जरिए अब जो है क्योंकि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, दोनों तरफ से गाड़ियां जो है वो अब यहाँ आगे नहीं जा पा रही, तो इसलिए यहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए जो है पेड़ को रोड से साइड करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो तूफान की वजह से यहां पर गिर गए और पूरी तरह से रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया और जो गाड़ियां दोनों तरफ से आनी थी वो दोनों तरफ से रुकी हुई हैं। तो ट्रैक्टर के जरिए अब जो है इस रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए कितना बड़ा पेड़ जो है वो इस समय नीचे गिरा हुआ है, रोड पूरी तरह से जो है वो ब्लॉक है और जो स्थानीय लोग हैं वो इस समय लगे हुए हैं, लोगों से बात भी करते हैं। ये कितना रास्ता है जो पूरी तरह से इस तरह से पेड़ गिरा? 4 किलोमीटर है जी, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हाँ, दूर तक नुए हमें ट्रैक्टर का लादा डिगा थकरी टूटी मुर्गा टूटी। अच्छा हाँ, मैं गाड़ियां भी जो है वो नहीं, गाड़ी को नहीं, दो ट्रैक्टर वह डाले पड़े हैं बस। हाँ। और कुछ गाड़ी गुड़िया कोई नुकसान नहीं हुआ, सारे अपना सेफ्टी में रह गए, वहीं पर गाड़ी रोक ली। 10 मिनट की बारिश थी, 10 मिनट की बारिश ने जमा बिघन तूफान मचा दिया, बारिश के साथ साथ तूफान आया पूरी तरह, पूरी अच्छी तरह पूरा तूफान था और ये अपने रोड जाम हो गया ही, बटाण लग रहे हम भी। फसलों में काफी नुकसान हुआ है, जो कपास की फसल है उसमें काफी नुकसान है, इधर पेड़ जाके जो गिरे हैं और दोनों तरफ कई किलोमीटर तक जाम भी लगने, ये 5-6 किलोमीटर तक जाम लग चुका है लंबा। फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान है यहाँ बारिश की वजह से, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से। ये 15 मिनट का तूफान आया और तूफान काफी ज्यादा तेज था, बहुत ही ज्यादा तेज था, साथ में बारिश वगैरह थी, बहुत तेज, ज्यादा नुकसान की हानि नहीं हुई, गाड़ियों को ट्रैक्टर को तो नुकसान हुआ पर स्थानीय लोग लगे हैं, प्रशासन भी मदद कर रहा है या कैसे? लोग वही वही लग रहे हैं अपने अपने, अपना रास्ता साफ करेंगे और अपना चले जाएंगे प्रशासन की तरफ से? नहीं, अभी कोई प्रशासन नहीं आया, प्रशासन कड़िया नहीं, अपने जो गांव के लोग हैं यही हटा रहे हैं बस। जितेंद्र एक बार ये तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से पूरी रोड जहां तक नजर जाती है वो पेड़ जो है वो गिरे हुए हैं क्योंकि काफी जबरदस्त तूफान जो है वो इस समय उचाना में जींद में देखने को मिला था थोड़ी देर पहले और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारी बारिश और तूफान के बाद ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया और आगे चलेंगे क्योंकि गाड़ियों का जाम जो है वो लगना शुरू हो गया और ट्रैक्टर के जरिए अब ये जो पेड़ गिरे हुए हैं उनको साइड पर करने की कोशिश जो है वो इस समय की जा रही है क्योंकि भयंकर तूफान जो है वो आया था और ये देखिए कितने बड़े पेड़ हैं जड़ से पूरी तरह से उखड़ गए हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो जड़ से पूरी तरह से उखड़ गए हैं और आगे कई किलोमीटर तक जाम जो है वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि ये जींद से उचाना की तरफ जब जाएं तो वहां पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह पर तूफान की वजह से भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। तो ये कितना बड़ा पेड़ है आप देखिए कि जड़ से पूरी तरह से उखड़ गया है और लोग जो हैं वो अब अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं, अपने स्तर पर जो है वो यहां पर पेड़
हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र इधर तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से, क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा है तो यहाँ पर लगातार जो स्थानीय जो गांव के लोग हैं वो इस समय इस एरिए को साफ करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से भारी तूफान की वजह से यहां पर जो मंजर है, जो तस्वीर है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।